हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग हीरोंस फॉर्मूला जो पढ़ रहे थे उसमें पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको बताया था कि एक एक लेवल करके हम जो अपने क्वेश्चंस का लेवल जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आज कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि पिछले लेक्चर से आप कह लें कि थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग तीन चार क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से आप समझिएगा तो फिर आपको आगे खुद से क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले सवाल लिखता हूं, फिर उस समझेंगे, उसके बाद फिर उस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखते चले पहले। क्वेश्चन क्या है बच्चों? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर has been used for has been used for advertisement has been used for advertisement। ठीक है, the sides of walls are the sides of wall are 122 meter, कॉमा 22 meter, कॉमा 120 meter, ये साइड गिवन है। ठीक है, द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स द एडवर्टीजमेंट yields ₹5,000 per meter square per year। ठीक है, अ कंपनी हायर्ड बोथ वॉल्स, अ कंपनी हायर्ड बोथ वॉल्स, अ कंपनी हायर्ड बोथ वॉल्स फॉर 3 मंथ, फॉर 3 मंथ्स हाउ मच रेंट डिड इट पे, हाउ मच रेंट डिड इट पे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप समझिए इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है फ्लाईओवर का, जिसे एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है। कुछ इस तरीके का फ्लाईओवर है, मान लेते हैं। ठीक है, और ये सरफेस है, फ्लोर है। ठीक है, ये ग्राउंड है। अब कह रहा है कि जो साइड वॉल्स हैं इस फ्लाईओवर के, ये साइड वॉल और ये साइड वॉल। ठीक है, एक ये वाला साइड वॉल है और एक ये वाला साइड वॉल है। ठीक है, अब कह रहा है कि साइड वॉल का जो डायमेंशन है वो गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। यानी कि इसमें देखिए, समझिए, ये 120 मीटर है, ये 22 मीटर है और ये 122 मीटर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट है, कितने पैसे लगेंगे इस एडवर्टीजमेंट के, ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर एक साल के लिए। ठीक है, एक साल का कॉस्ट दिया हुआ है कि हर एक मीटर स्क्वायर के ₹5,000 लगेंगे। और कह रहे हैं कि एक कंपनी ने इन दोनों वॉल्स को
3 महीने के लिए बुक किए हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, तो कितना रेंट पे करना पड़ा है? देखिए तो आइडिया ये है कि पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, हिरॉन्स फॉर्मूला से, क्योंकि दो वॉल्स हैं इसलिए जो भी एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया निकल कर आ जाएगा दोनों वॉल्स का मिलाकर। अब कह रहे हैं कि वो कुछ मीटर स्क्वायर में आएगा, राइट, तो 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल में 5,000 रुपए है, तो जितना भी वो आएगा उसको अगर मैं 5,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे 1 साल में जितना रेंट पे करना पड़ेगा वो निकल कर आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कंपनी ने सिर्फ 3 महीने के लिए खरीदा है, यानी कि 1 साल का 1/4 हिस्सा, 3 मंथ क्या होता है, 12 मंथ का 1 ईयर होता है, तो 3 मंथ यानी 1/4 ईयर, तो 1/4 से या फिर कह रहे 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा हमारा। चलिए ट्राई करते हैं, पहले हम लोग देखिए इस ट्राइंगल में ए हमें दिया हुआ है 122 मीटर, बी हमें दिया हुआ है 120 मीटर, और सी हमें दिया हुआ है 22 मीटर। एस क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर, ये हो जाएगा आपका 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2, कितना हो जाएगा ये 122 प्लस 120 हो गया 242 प्लस 22 264, इसको 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 132, ठीक है, कितना आ गया ये 132 मीटर। ऑलराइट, तो ये 132 मीटर इसका सेमी पेरीमीटर है, तो S माइनस A क्या हो जाएगा, 132 माइनस 122 यानी कि 10 मीटर। S माइनस B कितना हो जाएगा, 132 माइनस 120 यानी कि 12 मीटर, और S माइनस C कितना हो जाएगा, 132 माइनस 22 यानी कि 110 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ वन साइड ऑफ वॉल, कितना एरिया हो जाएगा, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है, यहां तक समझ रहे हैं आप? अच्छा चलिए, एस की जगह कितना लिखना है, 132 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 110, इसी का रूट लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा, इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं करूंगा। देखिए 132 जो है बच्चों वो हमारा होता है 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 132 होते हैं, फिर इसे लिखिए इंटू 10 इंटू 12, और 110 होता है 11 इंटू 10, तो 11 देखिए 2 11 है यानी कि 1 11 बाहर निकल कर आ जाएगा, 2 12 है यानी 1 12 बाहर निकल कर आ जाएगा, और 2 10 है यानी कि 1 10 बाहर निकल कर आ जाएगा, तो एरिया आपका कितना हो जाएगा, 11 इंटू 12 हो गया 132 इंटू 10 1320 मीटर स्क्वायर, राइट। अब ये तो एक साइड ऑफ वॉल का निकल कर आया, बोथ साइड का एरिया कितना होगा, दोनों दो साइड का ले रखा है ना, तो दो साइड का एरिया हो जाएगा टोटल एरिया 1320 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा ये 2640 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया। अब यहां तक पहले आप समझिए क्या किया हमने, क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्लाईओवर है जिसमें दो साइड ट्रायंगुलर एडवर्टीजमेंट का स्पेस है और उस ट्रायंगल के तीनों साइड का आपको दिया हुआ है, तो तीनों साइड का करके हमने एरिया निकाल दिया है और उस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्यों, इसका जितना एरिया इसका भी उतना ही एरिया है, तो दोनों को 1320 को ऐड कीजिए दो बार या 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक ही बात है, ये टोटल एरिया निकल कर आ गया। अब कह रहा है कि जो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, समझिए कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट कितना दिया हुआ है आपको, 5,000, ठीक है, रुपीज 5,000 पर मीटर स्क्वायर, कितने दिन के लिए, 1 ईयर के लिए, है ना, तो अगर आप 1 मीटर स्क्वायर यूज कर रहे हैं 1 साल के लिए तो 5,000 रुपए, हम कितना यूज कर रहे हैं 2640 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ 2640 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर
ठीक है, एक साल के लिए अगर हम जितना स्पेस यूज कर रहे हैं वो यूज करें तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो वो कॉस्ट हो जाएगा ₹5,000 भाई 1 मीटर स्क्वायर का, इतना तो 5,000, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर का 5,000, 2,640 कितना हो जाएगा, 5,000 × 2,640 राइट, इतने रुपीज हो जाएंगे ये, लेकिन एक साल का है। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि कंपनी ने सिर्फ 3 महीने के लिए हायर किया है। देखिए 1 ईयर जो है वो होता है इक्वल्स टू 12 मंथ्स, लेकिन कंपनी ने कितने दिन के लिए यूज किया, 3 मंथ, तो 12 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो ये आपको अच्छा, इस साइड 4 से डिवाइड करते तो इस साइड भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 मंथ का मतलब हो गया बच्चों 1/4 ईयर। तो अगर 1/4 ईयर को कैसे लिखेंगे, 1 ईयर / 4 है ना, 1/4 को लिख सकते हैं। तो 1 ईयर का आपने निकाल लिया तो, लेकिन हमें कहता है 3 मंथ, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम 3 मंथ के लिए देखें, फॉर 3 मंथ, तो ये जितना भी हम यूज कर रहे हैं रुपीज 5,000 × 2,640, इसको डिवाइड कर दीजिए कितने से, 4 से, ठीक है, 4 मंथ के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, सॉरी 1/4 ऑफ ईयर के लिए यूज कर रहे हैं 3 मंथ। तो ये 4 से अगर आप कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, फिर 2 बचा, 2 4 24, 6 0, 660 × 5,000, तो 66 × 5 होता है 330, और 3 0 और 1 4 0, 1 2 3 4, इतना पेमेंट कंपनी को करना पड़ा है 3 महीने इस वॉल को यूज करने के लिए। देखिए यहां तक तो आप समझ गए, एरिया निकाल लिया दोनों वॉल का मिलाकर। अब कह रहे हैं कि एक साल के लिए अगर आप 1 मीटर स्क्वायर यूज करें तो ₹5,000, तो एक साल के लिए इतना यूज करें तो कितना हो जाएगा, दिस मच है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हम एक साल के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, एक साल का चौथा हिस्सा यूज कर रहे हैं, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 3 महीने का निकल कर आ जाएगा कॉस्ट। क्लियर है बच्चों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, समझ के नोट करिएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड, क्वेश्चन नोट करते चले मेरे साथ, अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। अ गार्डनर हैज टू पुट अ फेंस, अ गार्डनर हैज टू पुट अ फेंस एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास ट्री, एंड ऑल्सो प्लांट ट्री, ठीक, ट्री कह सकते हैं। हाउ मच एरिया डज शी नीड फॉर प्लांट, हाउ मच एरिया डज शी नीड और प्लांट, ठीक है। एक तो ये कह रहा है, फिर कह रहा है फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट रेट ऑफ ₹20 per meter, ठीक है, लीविंग 3 meter space
ठीक है। अब ये सवाल को समझिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर इसको करेंगे। क्वेश्चन करें कि एक ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी, तो यानी कि हम लोग एक ट्रायंगुलर पार्क बनाने जा रहे हैं एबीसी। क्लियर बच्चों? एक ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी जिसका साइड गिवन है 120 मीटर कॉमा 80 मीटर कॉमा 50 मीटर। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि एक गार्डनर है, उसे फेंस पुट करना है, यानी कि इस तरीके से यहां पर फेंस लगाना है। ठीक है, इस तरीके से फेंस लगाना है, इधर भी फेंस लगाना है। और इधर भी फेंस लगाना है, लेकिन इधर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 मीटर एक साइड पे छोड़ देना है। ठीक है, ये छोड़ दे रहे हैं 3 मीटर। ठीक है, अब सवाल समझ आ रहा है कुछ? कह रहा है ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी जिसके साइड्स गिवन है, तीनों साइड बता दिया। कह रहे हैं गार्डनर को ना इसको फेंस करना है, ठीक है, वायर से फेंस करना है और इसमें ट्री प्लांट करना है। हाउ मच, तो पहला पार्ट बड़ा देखते हैं, हाउ मच एरिया डज शी नीड फॉर प्लांट। तो ये पूरा का पूरा जो अंदर का रीजन है वही तो उतना ही एरिया चाहिए होगा ना, यानी इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। हाउ मच एरिया डज शी नीड फॉर प्लांट, भाई प्लांट कहाँ ग्रो करेंगे? ये इस फेंस फेंस पे तो ग्रो नहीं करेंगे, अंदर जो फील्ड का ट्रायंगुलर पार्क का अंदर का जो हिस्सा है वहां पर प्लांट ग्रो करेंगे ना, ट्री ग्रो करेंगे। तो यहां जो अंदर का जो रीजन है, ठीक है, तो ये अंदर का रीजन कितना एरिया है उतने ही एरिया में हम लोग ग्रो कर पाएंगे। तो भाई इसका एरिया आपसे पूछ रहा है, तो देखिए इस ट्रायंगल में ए आपका 120 मीटर, बी आपका 80 मीटर और सी आपका 50 मीटर। क्लियर है? 120 मीटर, 80 मीटर और सी आपका 50 मीटर। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, यानी ए कितना है 120 प्लस 80 प्लस 50 अपॉन 2, यानी कि 250 अपॉन 2, ये हो जाएगा 125। चलिए एस 125 आ गया, एस माइनस ए कितना हो जाएगा 125 माइनस 120 यानी कि 5 मीटर। एस माइनस बी कितना होगा 120 माइनस 80 यानी कि 45 मीटर। चलिए एस माइनस सी कितना हो जाएगा 120 माइनस 50 यानी कि 75 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया का फॉर्मूला क्या सीखा बच्चों हमने? बोलते चले S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट, यही फॉर्मूला है। इसमें S की वैल्यू है 125, S माइनस ए आपका है 5, S माइनस बी आपका है 45 और S माइनस सी आपका है 75, राइट। चलिए 125 क्या होता है? 3 बार 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 आ गया। 5 5 25, 25 5 125। फिर एक 5 और है यहां पर, क्लियर है? अच्छा, फिर ये 45 जो है इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 9 और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, राइट। 75 को क्या लिख सकते हैं? 75 हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। 125 को लिखा 3 बार 5, फिर अगला 5 था उसको 5 लिख दिया, चौथा 5। 45 क्या होता है? 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 15, 15 3 45, और 75 को 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 15, 15 5 75। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, 5 के 3 पेयर हो तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 का भी एक पेयर है इंटू 3, और फिर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? देखिए एक ये 5 अकेला है, ये 3 अकेले, तो 5 इंटू 3 15, ये रूट के अंदर ही रहेगा। कितना होगा बच्चों एरिया? एरिया हमारा निकल कर आ रहा है, 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 3 375, तो एरिया हो गया 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। चलिए एक तो ये आपसे पूछा था, कर लिया आपने। दूसरा कह रहा है फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो हमें दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना कॉस्ट गिवन है? ₹20 फॉर 1 मीटर।
यानी एक मीटर का कॉस्ट कितना होगा, 20 रुपीज। अब जब आप फेंस करेंगे तो ये पूरा लेंथ आ रहा है ना, कितना लेंथ है टोटल, 50, 120 और 80, यानी कि 250 मीटर का टोटल लेंथ है, ठीक है। इसमें से कह रहा है 3 मीटर का आपको स्पेस छोड़ देना गेट के लिए, 3 मीटर का स्पेस छोड़ देंगे, तो पूरा टोटल लेंथ 250, उसमें 3 हटा दी यानी टोटल लेंथ फेंसिंग का 247 आ गया। टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग हमारा कितना है, 247 मीटर। तो 1 मीटर का कॉस्ट है बच्चों ₹20, तो 247 मीटर का कितना हो जाएगा भाई, 1 मीटर का 220, 1 को 247 से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया 240 आ गया, 247 आ गया, तो 20 को भी इधर 247 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आ जाएगा। 247 इंटू 2 होता है 494, और एक जीरो और, इतना कॉस्ट टोटल पड़ेगा, ठीक है। ये लेंथ हमने कैसे लिया भाई, ये ट्रायंगल का जो लेंथ है उसी लेंथ के अलोंग फेंस कर रहे हैं ना, तो 250 मीटर टोटल लेंथ था, ठीक है, तो उसमें 3 मीटर छोड़ दे रहे, तो कितना बचा 247, 1 मीटर का रुपीज 20 है, तो 247 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक सवाल और करते हैं हम लोग फिर। बच्चों एक सवाल देखते हैं, ये क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट करिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए With side A, find area of board using Heron's formula. ठीक है, इफ पेरीमीटर, इफ इट्स पेरीमीटर इज, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 मीटर, ठीक है, व्हाट विल बी एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, व्हाट विल बी area of signal board, ठीक है। सवाल पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इस सवाल को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि फटाक से पैर उठाया और बस सवाल सॉल्व करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है, यानी इस तरीके के शेप में होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझिए पहले, ये ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है, इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, और कह रहा है हर एक साइड का जो लेंथ है वो ए है, यानी ए ए ए, इसके अंदर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ठीक है। कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला।
अब इस ए साइड का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड करना हेरॉन्स फॉर्मूला के हेल्प से। तो देखिए जो साइड है तीनों साइड वो ए ए ए, यानी पहला साइड ए ये भी स्मॉल ए के बराबर है, दूसरा साइड बी ये भी स्मॉल ए के बराबर है, और तीसरा साइड सी ये भी स्मॉल ए के बराबर है। ठीक है, तो इसका सेमी पेरिमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, तो तीनों ए है, ये आपका हो गया थ्री ए अपॉन टू, राइट, ये हमारा सेमी पेरिमीटर हो गया। अच्छा एस माइनस ए कितना होगा बताइए, एस हमारा है थ्री ए बाई टू माइनस ए, थ्री ए बाई टू माइनस ए क्या हो जाएगा ए बाई टू, वैसे ही एस माइनस बी क्या हो जाएगा, एस है थ्री ए बाई टू और बी हमारा ए के बराबर, ये भी ए बाई टू हो जाना चाहिए, और एस माइनस सी, एस है थ्री ए बाई टू और सी ए के बराबर, यानी ये भी ए बाई टू के बराबर हो जाना चाहिए, राइट। अब जरा हेरॉन्स फॉर्मूला का एरिया का फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या एरिया का फॉर्मूला, तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या है एरिया का फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब मुझे बताइए एस की वैल्यू कितनी है, थ्री ए बाई टू है ना, इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, तीनों की ए बाई टू, ए बाई टू, ए बाई टू इंटू ए बाई टू इंटू ए बाई टू, और सब में लगा हुआ है रूट। क्या बच्चों इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर थ्री, ठीक है, इंटू एक दो तीन चार, चार बार ए, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और कितने से डिवाइड किया जा रहा है, चार बार दो है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। चलिए ये एरिया कितना हो जाएगा, देखिए दो बार ये पहला पेयर ये दूसरा पेयर, यानी दो ए बाहर आएगा तो ए ए इंटू ए बाहर आ रहा है, अपॉन ये एक पेयर टू का, ये दूसरा पेयर टू का, और रूट थ्री बेचारा अकेला है इसलिए ये रूट में ही रहेगा। तो ए एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, टू इंटू टू यानी कि फोर रूट थ्री। अब पहले लेक्चर में मैंने आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया का फॉर्मूला फाइनल बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, आप नोट कीजिए मैच कीजिएगा, सेम फॉर्मूला हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला से भी निकल कर आ रहा है। चलिए तो हमने यहां तक निकाल लिया, अब अगला पार्ट कह रहा है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 मीटर, ठीक है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 180 मीटर, तो बच्चों मुझे बताइए सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, यानी 180 का आधा यानी कि 90 मीटर। ठीक है, तब कह रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, अगर पेरीमीटर 180 है तो यानी कि साइड क्या होने चाहिए, साइड क्या हो, तीनों ए ए ए, पेरीमीटर क्या होगा ए प्लस ए प्लस ए, है ना, थ्री ए के बराबर जो कि 180 है, पर भाई ए प्लस बी प्लस सी होता है लेकिन यहां तीनों तो ए ए ए है ना, तो ए प्लस ए थ्री ए 180 के बराबर, तो यहां से ए निकलकर आ गया आपका 60, यानी बी भी 60 होगा और सी भी 60 होना चाहिए। तो मुझे बताइए एस माइनस ए कितना हो जाएगा, एस है 90 माइनस 60 यानी कि 30। ठीक है, खैर अच्छा इसको इतना लॉन्ग से करने की जरूरत है नहीं, हमने तो फॉर्मूला निकाल लिया है ना, अब तो इतना ये करने की जरूरत नहीं। देखिए शॉर्टकट में ही कर लेते हैं, पेरीमीटर 180 था, ठीक है, सेमी पेरीमीटर को भी आप भूल जाइए, अब आपके पास फॉर्मूला है, एक्चुअली फॉर्मूले में देखिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ साइड ए चाहिए, तो पेरीमीटर 180 है, क्या होगा तीनों साइड का सम ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 3a इज इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 60 मीटर, यानी साइड हमें मिल गया 60 मीटर, तो इस एरिया के फॉर्मूला में पुट करते हैं ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू रूट 3, इसलिए ए स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर 60 इंटू रूट 3 अपॉन 4, तो 4 को कट कीजिए तो ये 30 आ जाएगा 2 टाइम्स, और फिर कट कीजिए तो ये भी 30 आ जाएगा 2 टाइम्स, यानी जो एरिया निकल कर आ रहा है 30 इंटू 30 हो गया 900 रूट 3 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये मीटर में गिवन है।
ठीक है। चलिए ये सवाल भी नोट कर लीजिए, इस तरीके के कुछ सवाल बच्चों आप अपने एंड से ढूंढ के और एनसीईआरटी आरडी शर्मा इन सबसे ढूंढ के आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आज हम लोग यहीं पर पूर्ण विराम लगाते हैं। अगले लेक्चर में हिनॉन्स फॉर्मूला का ही एक नया एक्सरसाइज जो है, दूसरा एक्सरसाइज 12.2, उस एक्सरसाइज है के क्वेश्चंस जो हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो बच्चों।